कि अभी चल रहा है काली पूजा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं काली मंदिर। तो पता है ऑर्केस्ट्रा दोस्तों झूला में बैठते ही है कि किसी ने जाके गैस छोड़ दिया। काली महारानी के बचपन का। अरे अब तो खड़ा हो जा, आधा घंटा हो गया खाते खाते। अभी तो मैंने स्टार्ट किया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग कुछ धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अभी चल रहा है काली पूजा और मेरे गांव के पश्चिम की ओर काली पूजा चल रहा है। तो आप लोगों को वहीं ले जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहे, तो बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं काली मंदिर। तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर में अभी कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ये काली स्थान जो है ना बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। तो लगे रहिए ब्लॉग में, चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर से सीधे निकलने के बाद हमको नजर आता है ऑर्केस्ट्रा, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो अभी चलते हैं, मेला घूमते हैं। तो दोस्तों मेला घूमते घूमते हम आ चुके हैं मीना बाजार। आ तो गए हैं लेकिन कुछ खरीदना तो है नहीं। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के दूसरे गेट की ओर जाते ही हैं कि हमको नजर आ गया मिठाई का दुकान, फिर नाश्ता का दुकान। इन सभी को अभी साइड रखते हुए हम जा रहे हैं अभी झूला झूलने के लिए। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों अभी हम झूला के पास आ चुके हैं, तो अब जा रहे हैं हम लोग नाव झूला पे झूलने के लिए। फिर दोस्तों 50 रुपए का टिकट लेने के बाद अब जा रहे हैं झूला झूलने के लिए। दोस्तों झूला में बैठते ही है कि किसी ने जाके गैस छोड़ दिया। गैस छोड़ दिया। दोस्तों आप लोगों को एक चीज दिखाते। लेकिन एक सेकंड मनोज भाई, क्या बात चल रही है? भाई मुझे क्या पता क्या बात चल रही है, सबटाइटल थोड़ी आ रहे हैं। बात तो सही है। दोस्तों इन भैया को बोल रहे हैं झूला स्पीड करने के लिए, तो रोक रहे हैं। तो इसी बात पे मुझे बोलने का मन कर रहा है, पैसा बर्बाद। 5 मिनट्स लेटर दोस्तों मुझे भी इस झूला पे झूलने का मन कर रहा है, लेकिन क्या बताए, जब उम्र था तब पैसा नहीं था, अब पैसा है तो उम्र नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाथ में लगा बनाइयो नहीं हो भैया, भैया जी से तो मैंने भटूरा तो बनवा लिया, लेकिन मुझे तो छोला भटूरा खाना है नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा कि समोसे चाट खा ले, तो भैया जी से रेट पूछे। केना रहे प्लेट भैया यो? अरे अब तो खड़ा हो जा, आधा घंटा हो गया खाते खाते। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी हम खड़े हैं मिठाई दुकान के पास, लेकिन मुझे तो मिठाई लेना है नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद ही मिठाई दुकान है। तो दोस्तों आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।